हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉम का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके कंप्यूटर में भी आपके सामने ऐसी समस्या आई होगी कि सारे ये पैनल जो है बिल्कुल अलग हो चुका होगा, ये सारे तार इसमें से टूट चुके होंगे और ये तार नए मैकेनिक है, उन्हें लगाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट दिक्कत आ जाती है। तो मैं उस चीज़ को प्रॉब्लम को समझते हुए आपके लिए एक बहुत सिंपल वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सिंपल साधारण तरीके से बताऊंगा। आप इसे पीछे से भी ना भी खोलेंगे तो भी ऐसा बता दूंगा कि आप ना भी खोल के पहचान लोगे मतलब। तो दोस्तों मैं आपको पहले सिंपल सा बता देता हूँ कौन सा तार किस चीज़ के लिए है। देखिए वैसे तो यहाँ पे कलर कोड के हिसाब से ये हमारे बेस के होने चाहिए और ये हमारे लेफ्ट राइट के होने चाहिए, ये कलर कोड के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हमें फिर भी एक यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा तार किस चीज़ के लिए है, क्योंकि भाई किसी ने कलर कोड क्या लगा रखा है, किसी ने कलर कोड क्या लगा रखा है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस तार को देख लीजिए, ये तो एंटीना का आप सभी जानते जानते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो बोर्ड है हमारा लोकल वाला, इसमें सभी जानते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ हमारे आउटपुट होती है या इनपुट होती है, यानी कि ये जो आउटपुट हो रही है ना, ये तीन तार लेफ्ट राइट और ग्राउंड, मतलब यहाँ पे लेफ्ट है, फिर बीच में ग्राउंड है, फिर राइट है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें जो तीन तार होते हैं ना, ये तीन, इसमें लेफ्ट राइट और ग्राउंड होता है। इसमें ग्राउंड जो ग्रीन कलर वाला होता है, मतलब इन दोनों आईसी की जो इनपुट सिस्टम रहेगा ना, ये वाला है, तो यानी कि रेड है येलो है, यानी कि इस वाले कार्ड में जो 20-30 का लोकल कार्ड जो है, इसमें ये तो वॉल्यूम के तार रहेंगे तीन और ये हमारे बेस के तार रहेंगे। इसमें ग्राउंड एक ही मान लिया है, वही वॉल्यूम का भी ग्रीन वाला है और हमारा बेस वाले का भी ग्रीन वाला है। वो माना कैसे, चलिए दोस्तों अभी आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेट यहाँ से ऑन किया, अब ध्यान देना अगर मैं यहाँ हाथ लगाता हूँ, देखिए यहाँ तो बेस की आवाज आती है, अगर यहाँ लगाऊंगा तो कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट के जो स्पीकर लगते हैं ना उसमें आनी चाहिए। चलिए आपको दोस्तों स्पीकर दिखाते हैं, ये मेरे पास स्पीकर है, अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ ये चीज़। देखिए पहले मैंने राइट साइड पे लगाया स्पीकर, ठीक है, तो मैं देखिए राइट साइड पे लगाता हूँ उंगली, मैं यहाँ से ब्लेड ले लेता हूँ कोई भी, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब रेड वाले पे तो नहीं चल रहा, ठीक है ना, अब रेड वाले पे कब चलेगा, जब हम इसे लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, देखिए, ठीक है। आप देखिए दोस्तों ये देखिए, तो यानी कि ये दोनों तो होगी हमारी आउटपुट के और ये हो गया हमारी बेस के, तो यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन्स है ना, लाइन से ही तार लगेंगे। और यहाँ पे हो गया, देखते हैं ये वाला जो ब्लैक कलर का तार लगा हुआ है, ये डायोड के प्लस से आया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए डायोड के प्लस से आया हुआ है, तो ये कौन सा हुआ हमारा, 12 वोल्ट का। चलिए दोस्तों से यहाँ से पैक कर लेते हैं, अब आगे की तरफ करते हैं। अब आगे की तरफ कनेक्शन करने के लिए इसमें बहुत सिंपल है, तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम यहाँ पे, एक वॉल्यूम यहाँ पे, यानी कि जो फ्रंट साइड में है, एक ये मेन वॉल्यूम है, एक बेस का वॉल्यूम है। तो मैंने क्या बताई थी भाई, वॉल्यूम के जो तार हैं शुरू के, वो तो हमारे ये हैं यहाँ पे, ये तीन, एक दो तीन। अब यहाँ पे ये एक तो ये गया हुआ है ट्रैक, और एक ये दूसरा ट्रैक जो ऐसे घूम करके जब आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो हो गया हमारे लेफ्ट राइट और ग्राउंड, इस तरह से है मतलब। ये इसको छोड़ देंगे, इधर से चलेंगे लेफ्ट राइट ग्राउंड। अब मैं थोड़ा सा उससे ब्लेड से दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ से देखिए, पहले जो बेस का तार है, पहला बेस का यहाँ लगेगा, फिर दूसरा बेस का यहाँ लगेगा, ग्राउंड बीच में लगेगा, फिर यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट। और दोस्तों ये जो हमारा यहाँ 12 वोल्ट देनी है, क्योंकि यहाँ पे 7805 के, देखिए ये ट्रैक जो गया हुआ है ना, पिन नंबर 1 पे गया हुआ है 7805 की, और जो इसकी पिन नंबर 3 है वो हमारी आउटपुट के लिए है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं, सेट को कर लेते हैं पहले ऑफ। यहाँ पे सेट को हमने ऑफ कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन वायर को जो भी हैं पुराने कट कर लेते हैं, थोड़े थोड़े से, यहाँ यहाँ थोड़े थोड़े से कट कर लेंगे। अब थोड़ा सा हमें इनकी लोकेशन से पता लग रहा है किस चीज़ के तार हैं, कहाँ कहाँ के हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये तो हमारे हो गए थे मेन जो हमने बताई थी, और ये हमारे ऑक्स के हैं, वहाँ पीछे की तरफ लगे हुए हैं। तो इनको हम कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ का है तो दिक्कत तो आएगी नहीं है। अब ये येल्लो वाला हमने बताया था एंटीना का है, और रेड वाला वहां पे ग्राउंड पे लगा हुआ है। ग्राउंड का मतलब जो कैपेसिटर का प्लस और माइनस एक जगह ज्वाइंट होता है। अब हमें इन्हें छीन लेना होगा इस तरह से, जैसे भी आपको छीनना है छीन लेना है आपको, और इन पे अभी शोल्डिंग करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए इसका बहुत सिंपल सिस्टम है, इधर से ले आना बिल्कुल, यहाँ सिंपल सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे तार है, तो मैंने पता पे आपको बताया था काले वाला तार हमारे 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का यहाँ पर 7805 लगा हुआ है, पेच कसा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3, इसकी 1 पिन देखिए यहाँ जा रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे ये पिन नंबर 1 हम यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्ट कर लेंगे,
ये देखिए पिन नंबर 1 हमने कनेक्ट कर ली है। अब दूसरे नंबर पे हमारी लाल थी, लाल यानी कि लेफ्ट पॉइंट था। ये टच हो गया आपस में, इन्हें अलग कर देता हूँ। लाल लेफ्ट पॉइंट था हमारा, येलो हमारा राइट पॉइंट था। ये वॉल्यूम के पिन हैं, इसलिए हम दोस्तों इन्हें लाइन से लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए फिर थे हमारे दोस्तों बेस टेबल के, बेस्ट वो जो हमारे बेस बेस के हैं। तो इसमें ग्राउंड था, ग्राउंड के लिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो तीन तार है ना, ये देखिए ये एक ये जा रहा है, ये यहाँ पे वॉल्यूम से भी कनेक्ट है और वॉल्यूम के सभी ग्राउंड से भी कनेक्ट है। तो ग्राउंड पे कौन सा बताया था हमने, ग्रीन वाला, तो हमने यहाँ पे लगाएंगे ग्रीन वाले को, ग्रीन वाले को। उसके बाद था ब्लू, फिर था सफेद। ये देखिए ये हमने ब्लू वाला लगा दिया है और ये लगा दिया यहाँ पे सफेद। ये हमारे कनेक्शन होके यहाँ पे रेडी हैं। और रेड वाला था हमारा ग्राउंड, तो ग्राउंड वाला पॉइंट ग्राउंड पे यानी कि वॉल्यूमों की जो पिने रहती हैं वो सब ग्राउंड होता है। और ये हमारा दोस्तों एंटीने का, एंटीना आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना ना भी लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं पैनल के। अब ये तीन तार दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कहाँ लगेंगे, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, वरना इसके फ्रंट पैनल में ऑक्स दी हुई है। तो ये जो होते हैं ऑक्स के होते हैं, तो यहाँ ये यहाँ लगाने हैं ऑक्स के सिस्टम पे। अगर आपका लंबे वाला कार्ड है तो ऑक्स इनमें लगेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको चला के दिखा देता हूँ इसको। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसे मेन लाइन से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए मेन लाइन से कनेक्ट किया, तो ब्लूटूथ मोड लिखा हुआ आ चुका है, इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और अभी स्पीकर चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने कनेक्ट कर लिया, आप देखिए मैं वो यहाँ से मेन वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ये देखिए ठीक है, और यहाँ बेस, ये देखिए यहाँ यहाँ देखिए, ये देखिए ठीक है। यहाँ से बेस बंद करता हूँ, ये देखिए बेस बंद कर दी। अब सिर्फ मैं यहाँ पे देखिए स्पीकर आपको दिखा देना चाहता हूँ बैक साइड में लगा करके। ये देखिए ठीक है। अगला चेक कराता हूँ, ये देखिए अगला भी चल रहा है। ठीक है अगला देखता हूँ, ये देखिए ठीक है, और ये देखिए। तो दोस्तों हमारे चारों स्पीकर चल रहे हैं, सब कुछ सिस्टम बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है, सब कुछ फिट चल रहा है, वॉल्यूम बेस वगैरह। ये देखिए मैंने मंदी कर दी, मंदी भी काम कर रही है और तेज कर रहा हूँ, तेज भी काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से इसे बंद कर लेते हैं। आपको ये कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, कि जिसको समझ में नहीं आए चाहे वीडियो को दोबारा पीछे से करके देख सकते हो। बस कहने मतलब ये है, जो वॉल्यूम की तरफ जो कनेक्शन जा रहे हैं ना, इस वॉल्यूम की तरफ वे हमारे लेफ्ट राइट होने चाहिए, और जो इन तीन पिन की वॉल्यूम की तरफ है यहाँ बेस के कनेक्शन होने चाहिए बस। और ये जो 7805 है ना, इसकी पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट आनी चाहिए इस तरह के पैनल में, और आपका सिस्टम पूरा ऑफ हो जाएगा। कलर कोड से यहाँ कोई मतलब नहीं है, कलर कोड जैसे आपने यहाँ पीछे ले हैं, यहाँ पे कलर कोड में जैसे यहाँ पे कलर कोड है, ऐसे आपको कलर कोड लगाने हैं और आपके कनेक्शन हो जाएंगे। इसके कनेक्शन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले की यहाँ की तीन पिन आउटपुट होती है, ये हमारी इनपुट पिन है, ये तीन ठीक है। इसमें लेफ्ट और यहाँ पे राइट और ग्राउंड, और इसमें यहाँ पे बेस की ये दो पिनें हैं, जिससे हमने दोस्तों अपने बेस की वॉल्यूम कंट्रोल होती है बस। और यहाँ से अपना दोस्तों 12 वोल्ट उठा ली, बाकी ये कनेक्शन इसमें होए पड़े हैं। तो दोस्तों आज ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर लेना। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।